प्यार से जुड़ गए इन रंगों को, किसी ने सजा ये संसार है जो इतने सुंदर है अपनी दुनिया, ऊपर बाजार का कोई कलाकार है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के बज रहे हैं यहाँ पे 7:40 और अभी मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज रनिंग करके आया हूँ, तो अभी मेरे को ज़्यादा बेटर फील हो रहा है। और यहाँ पे गायत्री अपने काम पे लग चुकी है क्योंकि इन लोगों को आज जाना है डिलीवर करने के लिए, कुरियर वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में देने के लिए, वो हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। मतलब आप समझ सकते हो आज ये लोग अभी जाएंगे 9 बजे, तो आएंगे डायरेक्ट 3 बजे या 4 बजे तक। लोग पैक करके ऑलरेडी सारे कुछ को रख लिए हैं और अभी मेरे को दाढ़ी भी थोड़ा सा निकालना है यार, कल ज़्यादा बेइज्जती हो गया बेइज्जती तो नहीं लेकिन लुक में थोड़ा सा चेंज आ जाता है दोस्तों, क्योंकि दाढ़ी जब हो तो फिर इंसान ज़्यादा समझदार लगता है, मेरे को जहाँ तक लगता था। तो अभी थोड़ा सा हम लोग ट्रिम कर लेंगे, अपने पास ट्रिमर है, चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, माँ पापा ईटा ढुका रहे हैं और यहाँ पे तो जैसा कि दोस्तों अभी देख सकते हो, पापा और माँ वहाँ पे ईटा ला रहे हैं और वहाँ पे जमा कर रहे हैं, जो आपने देखा होगा जो वहाँ पे बाथरूम बन रहा है उसमें। तो अभी माँ पापा दोनों ईटा लाएंगे और वहाँ पे रखेंगे जब तक 8:30 ना बज जाए, क्योंकि गोमो भी निकलना 8 बजे तक। तो अब 7:40 हो चुका है और कुछ देर में अब पापा नहाने जाएंगे और निकल जाएंगे। सो पहले आप देख सकते हो मेरी बड़ी बहन जो है वो पापा के लिए सब्जी बना दे रही है और अभी रोटी भी बनाएगी ना। रोटी बन गया, कितना रोटी देखा, देखो कितना मेहनती है, सुबह सुबह उठ के रोटी भी बना दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब हम लोग अपना दाढ़ी ट्रिम करते हैं और यहाँ पे मैंने आईना लेते आया है, ये रहा मेरा फेस जो कि आप देख सकते हो, और ये रहा अपना दाढ़ी और ये रहा अपना ट्रिमर। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसे अभी के अभी छोटा करते हैं, नहीं तो हर आदमी अंकल ही समझेगा ओके तो अभी छोटा कर लेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे और पापा को छोड़ने के लिए, क्योंकि पापा को कुछ पैसा भी देना और उनको अभी पैसा इसलिए देना है क्योंकि उनके पास अभी पैसा नहीं है, जब डिलीवर करने जाएंगे तो वहाँ पे पैसा लगता है, आपको तो मालूम ही है। तो अभी हम लोगों ने कम से कम 10 पैक किया हुआ है, 9 या 10, तो वो वहाँ पे ले जाएंगे और उनको देंगे, तो अप्रॉक्स हमारा खर्चा आ जाएगा, वो मैं आपको ब्लॉग के अंदर दिखा दूँगा जो भी आएगा। तो चलिए अभी हम लोग पहले ट्रिम कर लेते हैं और देखते हैं नया लुक कैसा होगा। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हो हम लोगों ने ट्रिम करा है और ये किस तरह से दिख रहा है, आपको दिख ही रहा होगा, और बाल भी हमारा बड़ा बड़ा हो चुका है, तो वो भी ठीक करेंगे हम लोग जल्दी। पहले स्टाइलिश रहता था लेकिन अब वो उतना होता भी नहीं है टाइम के बाल पे ध्यान दे, यहाँ तक कि हेल्थ में नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब करेंगे हेल्थ में भी सुधार, क्योंकि सक्सेस के साथ हेल्थ भी चाहिए। तो गायत्री बोल रही है मेरे को हाथ में फिर से लग गया, अभी मैं उसको सिखाने वाला हूँ इसे कैसे यूज़ करते हैं। इधर आओ, हाँ पर थोड़ा सा चिल्लाओ, देखो ऐसे करके पकड़ के ऐसे करना, हम तब से ऐसे करके ऐसे करके नहीं ऐसे करके ऐसे कर रहे थे, तो उतना यहाँ से डायरेक्ट ऐसे करके तुमको ऐसे करना है, यहाँ से देखो यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे देखो दाना। गाइस गायत्री जा रही है धनबाद कुरियर करने के लिए, पापा वहाँ पर है। तो गायत्री फिर से आ चुकी है चश्मा लेने के लिए, पापा का चश्मा छूट गया था तो वो बैठ चुकी है और अब निकलने वाली है। तो ये दादी अभी दही लाई थी और हम लोगों ने ले लिया है, चलिए देखते हैं खा के सुना लिया देगी अभी खाने के लिए, और खाने में क्या क्या बना है वो भी आप देख सकते हो। तो ये रहा दही जो 20 रुपये में पाव है, देख सकते हो कितना ज़्यादा। तो खाने के बाद अभी टेस्ट पता चल जाएगा और हम लोगों ने बोल दिया हर बार देख जाइएगा,
और यहाँ पे 7 रोटी और कुछ रोटियाँ जो अभी हम लोग खाने वाले हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, सोनाली मेरा खाना बांट के मेरा जो लगा दी थी वो अपने आप खाने लगी है। एक गुड न्यूज़ दे, और डाइजेशन ऑन हो गया। अब अच्छा है। तो दोस्तों, आज आपको मैं एक गुड न्यूज़ देने वाला था। तो हमारा जो फेसबुक में बेहद खुशी, तो हमारा जो फेसबुक में मोनेटाइजेशन ऑफ हो गया था, और कई कारणों से, क्योंकि बहुत सारे लोग रिपोर्ट मार दिए थे, वो मेरे को पता चला कहीं से। तो इस वजह से दोस्तों हमारा मोनेटाइजेशन 1 महीने से ज़्यादा तक टिका, लेकिन हम लोग उसमें नहीं रुके, गिव अवे भी किए, सारा कुछ किए और 100 का टारगेट भी ले लिए, चाहे वो मोनेटाइज होता या नहीं होता। तो इस वजह से मैंने ये किया दोस्तों, क्योंकि आपका सपोर्ट और प्यार इतना था कि हम लोगों को ये तो एक तोहफा के तौर पर फिर से रिटर्न मिल चुका है, जो हम लोगों को पहले ही मिला हुआ था। थैंक यू सो मच गाइस इतना सपोर्ट करने के लिए। तो अभी दोस्तों माखन खाने में जो मज़ा आ रहा ना, पूछिए ही मत। और हम लोगों ने कृष्णा जी का स्केच एक अपलोड कर दिया, और एक हम लोग माखन चोर जी का स्केच और बनाने वाले हैं, और फूड वाला भी माखन। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मोनेटाइजेशन ऑन हुआ उससे एडवर्टाइजमेंट आता हमारे वीडियो में, और फूड वाला भी माखन चोर वाला जो ये बनाएगी। तो इस तरह से हमारा मोनेटाइजेशन फिर से ऑन हो चुका है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और फेसबुक टीम को भी, क्योंकि उन्हें मैंने मैसेज किया था और वो लोग इसके पीछे काम कर रहे थे कि कैसे ये बंद हुआ, कैसे ये बंद हुआ, तो उन्होंने फाइनली ऑन करा दिया। थैंक यू सो मच इसके लिए। तो भाई दोस्तों, हम लोग पेंटिंग कर रहे थे कृष्ण जी का बाजू, और यहाँ पे अब पोटी होने वाला था, हम लोगों ने अपना टेबल खाली कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हो आप, 2 लेयर चढ़ रहा है पोटी का, और उन्होंने बाल्टी कहाँ पे रखा है देख लीजिए, सीढ़ी ऐसा है, और अच्छे से मार पा रहे हैं क्योंकि हाइट अच्छा है इनका। ऑलराइट दोस्तों, देख सकते हैं ये कितने गुस्से में, एक खबर इसको सुनाते हैं, मोनेटाइजेशन ऑन हो गया मेरे फेसबुक में, ये ऑफ हो गया था, गुस्सा हट गया, तुमको थोड़े ना पैसा देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना ड्राइंग इतना तक कंप्लीट कर लिया, देख सकते हैं। इसको लगा है बुखार, और देख सकते हैं हमारा ड्राइंग इतना तक कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा जो हम लोगों ने बनाया था सबसे पहले वो वाला पेंटिंग है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, माँ सरस्वती जी का। तो चलिए अब हम लोग इसे कंप्लीट करते हैं। तो अभी दोस्तों मैंने कुछ अमेज़न से मंगाया हुआ था, जो कि अभी आ चुका है, और अभी गायत्री खोलकर आपको दिखाने वाले कि उसके अंदर क्या क्या है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि वो हमारे ड्राइंग से रिलेटेड है, और एक है जो कैमरा से रिलेटेड है। चलिए वो अभी आप देख ले यहाँ पे क्या क्या है। कुछ बोला इसके अंदर क्या हो सकता है, वही वाला है। ये तो मंगाए थे ना, ये कैमरा फिर से रिटर्न कर दिए, वो काम नहीं कर रहा, इसको रख दो, सर दोबारा में खोलेंगे, इसको बाद में खोलेंगे, बोलो खोल के क्या इसके अंदर पता चल गया क्या, तो इसको अच्छे से संभाल के खोलना पड़ेगा। एक मोटा हाथी उड़ के चला, इसके अंदर क्या है? कलर। गलत जवाब, स्प्रे। तुम्हारा कैसे मार दे, एक थो, दो थो, अभी दोस्तों हम लोग इस स्केच का गिव अवे करने वाले हैं, जो कि आप करीब से देख सकते हो, अपने पास मात्र अभी 20 मिनट बाकी है, उसके बाद हम लोग करेंगे। और एक बात रहा,
खराब हो चुका है। और अरे दोस्तों, तो आपको यहाँ पे एक अच्छा सा खबर देना था, गुड न्यूज़, जिसे बोल सकते हो आप कि हमारा जो चैनल में मोनेटाइजेशन ऑफ हो गया था वो फिलहाल ऑन हो चुका है, क्योंकि मैंने फेसबुक टीम को बताया था कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप इसका जरूर से ज़रूर सॉल्यूशन निकालो। तो उन्होंने सॉल्यूशन निकाल दिया, जैसा कि देख सकते हो आप यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट मेल कि उन्होंने मेल किया, सर योर चैनल योर पेज इज़ एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन। आप देख सकते हो दोस्तों, इस तरह से हमारे पास मैसेज कल ही आया है और कल ही मेरे को पता चला है कि मोनेटाइजेशन हो चुका है। तो यहाँ पे उन्होंने इशू फिक्स कर दिया, उसके बाद बोला सर आप कुछ भी प्रॉब्लम के लिए हमें हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो, पूजा शर्मा, थैंक यू सो मच इसके लिए। और ये दोस्तों करीब एक महीना से मतलब ब्लॉक था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे वीडियोस को किसी ने रिपोर्ट मारा है, मतलब कोई और कंट्री होंगे जहाँ पे लगता है कि ये है उससे, तो उन लोगों को ऐसा लगा होगा रिपोर्ट करने में, लेकिन मज़ा आया होगा उनको। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उससे मेरे को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप मेरे साथ हो, आप हमारे को सपोर्ट करते रहो इसी तरह से दोस्तों, ताकि हम लोग हर एक सिचुएशन से उभर कर आगे निकल सके। और ये एक महीना तक था, तब भी हम लोगों ने सारे कुछ किया जो भी करना था, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, चाहे मोनेटाइजेशन रहे या ना रहे, आप इम्पॉर्टेंट हो मेरे लिए। तो इसलिए दोस्तों मैं हमेशा गिव अवे करते गया और मैंने 100 का भी टारगेट ले लिया साथ में, ताकि मैं आपको इन रिटर्न अपने आर्ट वर्क है जो छोटे छोटे तौर पर अपने तरफ से गिफ्ट दे सकूं। बस यही था दोस्तों। तो अब मोनेटाइजेशन ऑन हो गया तो अच्छी बात है, अब हमारे को और सपोर्ट मिल जाएगा, ताकि इन फ्यूचर हम लोग और बड़ा करते जाएं। और आपको मैं और एक चीज़ दिखा देता हूँ, कितना डॉलर बना आज, मतलब आज हमारा फर्स्ट मोनेटाइजेशन हुआ है। तो मतलब मोनेटाइजेशन पहले था लेकिन वो बंद हो गया, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे अर्निंग आज का जो अभी हुआ है। तो अभी आप दोस्तों देख सकते हो ये $2 बना है आज हमारा। तो ये रहा अपना वीडियोस जो आपने इतना सारा प्यार दिया, सपोर्ट दिया, और ये सब में मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने करा भी नहीं और साथ में पहले से हुआ भी नहीं था। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने इतना सपोर्ट किया कि हमारा को फिर से मोनेटाइजेशन भी मिल गया। ऑलराइट दोस्तों, तो अभी टाइम आ चुका गिव अवे करने का, और अभी हम लोग गिव अवे कर रहे हैं ये स्किन, जैसा कि आपको मालूम है, लेकिन बाहर का मौसम बहुत भयानक है, जहाँ पे हम लोग गिव अवे करते हैं वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है, देख सकते हैं। सो गाइस, अभी पापा यहाँ पर कुछ बना रहे हैं। पापा क्या बनाएंगे? पकौड़ी बनाएंगे ना, और मम्मी भी वहाँ पर है, और देख सकते हैं हमारी सुनाली दीदी को आ रही है। तो जल्दी से हम लोग पकौड़ी बनाते हैं पापा जल्दी से, और उसके बाद सब लोग पकौड़ी खाते हैं। पकौड़ी के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैदा भी हो चुका है। सो गाइस, हम लोग का पकौड़ी तला चुका है कढ़ाई में, गरम गरम तवा में। सो गाइस, चलिए हम लोग चलते हैं भैया के पास। अलेक्सा, अभी कितना टाइम हो रहा है? शाम के 7:01 है। भैया गाना सुन रहे हैं। और दीदी वीडियो देख रही है। अलेक्सा, गोमो का वेदर बताओ। गोवा में कौन सा शहर? अलेक्सा, वेदर बताओ। गोमी, झारखंड। वेदर से बोल रहे, बता दे रही है। 28 डिग्री सेल्सियस है। आज रात न्यूनतम 25 डिग्री तापमान के साथ थोड़ी बादल रहने का अनुमान है। अलेक्सा, तो दोस्तों अभी हम लोग ये पेंटिंग कंप्लीट कर रहे हैं, और ये हम लोगों ने रिकॉर्डिंग लगा दिया। सोचो ना, तो यहाँ पे हमारा पकोड़ा तैयार है छन के, और पापा ने बनाया, तो पापा खा भी रहे हैं और भाग गए पापा। पापा क्यों? बोलते हैं कि जो आगे जो बनाता है वो आगे नहीं खाता है, और पापा हम लोग फर्स्ट में खा रहे हैं। ये हमारा है। आप नहीं खाए? इसको देखिए कितना लालची है। हाँ, लालची है। रोटी बना रही है। अब खा लो।
तो ये आपको करने का साथ देख रहा है। कौन सा गाना सुन रही है दीदी? एलेक्सा एक स्टेप साउंड बढ़ाओ। सोचो ना सोचो ना प्यार से चुके इन रंगों को किसी ने सजा ये संसार है जो इतनी सुंदर है अपनी दुनिया ऊपर वाला क्या कोई कलाकार है सोचे ना और राइट दोस्तों, तो यहाँ पे रात के बज रहे हैं 9:40 लगभग, और हम लोगों ने अपना ड्राइंग इतना तक कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग कुछ देर के बाद करेंगे क्योंकि हमारा बैटरी इसमें पूरा डाउन हो गया है। हम लोगों ने चार्ज में लगा दिया सारा जितना भी अपना बैटरी था, और मुझे हो गया हल्का सा सर्दी जुकाम, जो कि जल्दी मैं कोशिश करूँगा ठीक हो जाए ताकि हम लोग आगे अच्छे अच्छे कार्य कर सके। और आई होप दोस्तों कि आज के ब्लॉग में आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको कल के वीडियो में, और कल भी हमारा वीडियो सुबह 6 बजे आ जाएगा जो डेली की तरह आ रहा है, और मैं इसे कंसिस्टेंस रखना चाह रहा हूँ। आप सपोर्ट करते रहना। थैंक यू सो मच गाइज। तब तक के लिए बी काइंड, बी हैप्पी एंड बी सेफ। आप इधर से लगा दो। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय दोस्तों, हैव अ ग्रेट डे। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोले।